नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लहू के प्यासे। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। भारत के विशाल पूर्वी सीमा पर फैले रेगिस्तान कक्ष से लगा हुआ है शहर सलमेर। रात के अंधेरे में हमारी सीमाओं के पास से हथियारों से हीरोइन तक इसी शहर के जरिए चोरी छिपे हमारे देश में पहुंचाई जाती है। लेकिन अक्सर ऐसे तस्करों की मुठभेड़ सीमा सुरक्षा बल के जवानों से हो जाती है। जीप और तेज चलाओ राम सिंह, वरना ये तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फिर भाग निकलेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब, रेत पर जीप को इससे ज़्यादा तेज नहीं चलाया जा सकता। डैम इट, हम जीप से घोड़ों का पीछा नहीं कर सकते। रेत पर नहीं सर, तो फिर हमें गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं इस अभियान पर खुद इसलिए नहीं आया था कि तस्करों को अपनी आंखों के सामने से भागता देखूं। गोली चलाओ। जीता वो हमारी रेंज में आ गया है। हमको इसी मौके का तो इंतजार था। रिमोट कंट्रोल के बटन पर एक उंगली दबी और जीप के ठीक नीचे की जमीन फट पड़ी। धड़ाम! कमिश्नर साहब घायल होकर रेत पर आ गिरे। लेकिन घायल अवस्था में भी उनका पिस्तौल वाला हाथ उठा और दो गोलियां दगी। निशाना अचूक था। धाएं धाएं! पल भर में दो और लाशें रेतीली जमीन पर आ गिरी। देखते देखते घोड़ों की टापों और जीप के इंजन की आवाजों से गूंज रहे रेगिस्तान में मरघट सी खामोशी छा गई। सिर्फ एक आवाज़ इस खामोशी को तोड़ रही थी, कमिश्नर साहब के करहाने की आवाज़। लेकिन सलमेर के पास घटे इस हादसे का असर वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित राजनगर में होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रजनी, जल्दी से मेरा सूटकेस पैक करो, मुझे 3 घंटे में सलमेर की फ्लाइट पकड़नी है। सलमेर यानी राजस्थान पर ऐसी क्या आफत आ गई है? अभी अभी गृह मंत्रालय से स्पेशल मैसेंजर आया है, मुझे तुरंत वहां जाकर पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेना है। ध्रुव भैया के वापस आने तक भी आप नहीं रुक सकते पापा? नहीं बेटे, और फिर ध्रुव मापाल से ना जाने कब वापस आएगा। मेरे और ध्रुव के पीछे पीछे में मम्मी का ख्याल रखना श्वेता, विदाउट फेल। पापा, बेस्ट ऑफ लक पापा, अपना ख्याल रखिएगा जी, तुम फिक्र मत करो। बाय श्वेता। इस वक्त श्वेता और रजनी में से कोई कोई भी ये नहीं जानता था कि वो आईजी राजन को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, और उनको ये आभास 3 दिन बाद तक भी नहीं हुआ। और तब मम्मी, भैया आ गया। ओह, कैसा है मेरा बेटा, 3 दिनों में ही दुबला हो गया है तू तो। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी, भैया तो खा खा कर बरगद जैसा फूल गया है। तो तू कौन सी मेरी मेरे जाने से सूख कर कांटा हो गई है? कांटा हो मेरे दुश्मन, 3 दिनों तक तुम्हारा खाना भी मम्मी मुझे ही खिलाती थी। अच्छा, अब दिखाओ मेरे लिए क्या लाए हो मपाल से, जल्दी दिखाओ जल्दी। अरे, उसको जरा आराम तो कर देने दे, तू तो भूत की तरह उसके पीछे पड़ गई है। मैं 1 मिनट में आया मम्मी। पीटर का चेहरा देखकर ध्रुव तुरंत समझ गया कि मामला गड़बड़ है। वेलकम होम कैप्टन। क्या बात है पीटर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज सुबह ही सीबीआई का सलमेर से एक मैसेज कमांडो हेडक्वार्टर में आया है, कमिश्नर राजन लापता है। पापा लापता है सलमेर से? लेकिन वे सलमेर गए ही क्यों? सलमेर में तस्करों का आतंक बहुत बढ़ गया है। 5 दिन पहले उनसे एक मुठभेड़ में वहां के पुलिस कमिश्नर बुरी तरह जख्मी हो गए। तस्करों के डर से और कोई उस इलाके का चार्ज नहीं ले रहा था, और आईजी सर ने ये बीड़ा उठाने का फैसला कर दिया, इसलिए वे सलमेर गए थे। और कल रात वे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मम्मी, पापा सलमेर गए हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा अभी। जाना क्यों है, फोन से बात कर ले, अभी थोड़े दिन मेरे पास भी रहेगा या नहीं? मैं उनके लिए मपाल से स्पेशल सिगार लाया हूँ मम्मी, वे सब खराब हो जाएंगे। तो फिर जाओ, अब सबको पापा का ही ख्याल है, मम्मी को तो कोई पूछता ही नहीं है।
पूछता क्यों नहीं है, पापा सबसे पहले तुमको ही पूछते हैं। चलहट शैतान। अच्छा जा, पर जाना और लौटती फ्लाइट से वापस आ जाना। पापा के पास जा रहे हो ना भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तू क्यों, तू वहां क्या करेगी? क्या करूंगी? अरे वही जो तुम करोगे, पापा से मिलूंगी और बातें करूंगी, और वो भी बिना हकलाए। हे भगवान, अब इस मुसीबत को कैसे टालूं? तू घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी, तो ऐसा कर, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक प्रोग्राम बना ले। पिकनिक प्रोग्राम खंडाला का? अरे जहन्नुम का बना लेना, लेकिन मम्मी तब तक अकेली रहेगी क्या? अपनी कमांडो फोर्स से पहरा देने को कह जाना। ठीक है ठीक है, दोनों जाओ। श्वेता भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई है, मुझे तो वैसे भी अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है। थैंक यू मम्मी, निकालो 1000 रुपये। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और अगले दिन सुबह जब ध्रुव सलमेर के एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो उसकी हर हरकत पर तेज निगाह गड़ी थी। टैक्सी? देखा माधो, मैं कहता था ना कि नए कमिश्नर पर हाथ मत डाल, क्योंकि उसके बेटे का नाम सुपर कमांडो ध्रुव है। ये तो मैं भी जानता हूँ, और महाराज भी। अरे इसी बला को वश में लाने के लिए ही महाराज ने अब तक कमिश्नर को जिंदा रखा है, तो उतना ही कर जितना तुझसे कहा गया है। चल, वो जा रहा है। ध्रुव इस बात से बेखबर था और उसका पीछा शुरू हो चुका था। महाराज, X010 हियर, शेर पिंजरे में आ चुका है। इस वक्त वो सवाई रोड पर दक्षिण की तरफ जा रहा है, शायद लोमड़िया की मांद में। लोमड़ियों की मांद में यानी पुलिस हेडक्वार्टर। मैसेज मिल गया, पीछा जारी रखो। ट्रांसमीटर पर एक दूसरा बटन दबा। दूसरे छोर पर मैसेज लेने वाला तैयार बैठा था। तुम्हारा शिकार इस शहर में आ चुका है कैक्टस, मुझे पुलिस की उतनी फिक्र नहीं है जितनी इस छोकरे की है। आप इसकी चिंता सेवक पर छोड़ दें महाराज, कैक्टस पिछले 72 मिशनों में कभी नाकामयाब नहीं रहा। दूसरी तरफ, आप पुलिस हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हैं साहब? आप पुलिस वाले तो लगते नहीं। अपने काम से मतलब रखो ड्राइवर, और नजरें सड़क पर रखो, वरना एक्सीडेंट। ध्रुव की जवान पर मानो सरस्वती बिराज रही थी। धड़ाक, ची, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि टैक्सी देख कर चलाओ, कौन है ये? अरे छोड़िए साहब, ये तो भीखा मल है, ना जाने कितने सालों से भीख मांग रहा है। रोज किसी ना किसी गाड़ी से टकराता रहता है, पर मरा आज तक नहीं। शटअप, अपनी गलती को इस बेचारे के सिर पर क्यों मढ़ रहे हो? आप ठीक तो है ना बाबा? सहानुभूति के दो बोल सुनते ही बूढ़े भिखारी की आंखें डबडबा गई। रहने दो बेटा, ऐसी चोटें और गालियां खाना तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं भी कभी 10 भिखारियों को दान दिया करता था, बहुत पैसा था मेरे पास, लेकिन जब से मेरा इकलौता बेटा नशे की लत में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा, तब से मेरा कारोबार कारोबार की तरफ से ध्यान हट गया। मेरा कारोबार धीरे धीरे चौपट होने लगा, और आखिरकार नौबत भीख मांगने तक आ गई। पर तुम जाओ बेटा, मेरे पीछे तुम अपना समय क्यों नष्ट करते हो? साहब को तो सामने ही जाना है बुढ़े, तू हट तो ये जाए, पुलिस हेडक्वार्टर यही है साहब। तभी, लाओ साहब जी, तुम्हारा बक्सा मैं ऊपर उठाकर पहुंचा दूं, 2 रुपए देना। तुम कौन हो? गरीब हूँ साहब जी, पेट पालने के लिए बोझा उठाने का काम करती हूँ। गरीब को 2 पैसे कमाने का मौका दो ना साहब। नहीं, अपना सामान मैं खुद ही उठाता हूँ। लेकिन ध्रुव ये नहीं देख पाया, इस बीच एक छोटा सा ट्रांसमीटर उसके बेल्ट पर बड़ी सफाई से चिपका दिया गया था। जा भाग, बड़ा आया सांप का बच्चा। ध्रुव कुछ परेशान नजरों से उसे देखता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। घूंघट होने के कारण वो श्वेता का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाया था, और 10 मिनट बाद ध्रुव डिप्टी कमिश्नर पुलिस के सामने बैठा था। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक हम राजन साहब का कोई पता नहीं लगा पाए हैं, वे परसों अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही कक्ष के रेगिस्तान के गश्त पर गए थे। कल सुबह तक जब वे वापस नहीं आए, तो मैंने उनकी खोज शुरू करवाई। हमें उनके साथ गए 6 जवानों की लाशें और जीप के चित्रे मिले हैं।
कमिश्नर साहब का कोई पता नहीं चला। मैंने तुरंत सारी सीमाएं सील करा दी है। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी सारी छानबीन यही कहती है कि कमिश्नर साहब जिंदा हैं और हमारी सीमा के अंदर ही हैं। जीप के चित्रे कैसे हुए? किसी विस्फोट से? हाँ, स्मगलरों ने पूरे रेगिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई है। वे हमारे जवानों को जानबूझकर पीछा कराते कराते उन स्थानों तक ले जाते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल से उन सुरंगों को उड़ा देते हैं। आई सी। वैसे हम सलमेर की सीमा से लगे रेगिस्तान के चित्र समय समय पर हेलीकॉप्टर से खींचते रहते हैं ताकि किसी भी अप्राकृतिक बदलाव का तुरंत पता लगाया जा सके। वाह सर, क्या मैं उन चित्रों को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, देखो, ये चित्र हमने पिछले 1 साल के दौरान अलग अलग समय पर खींचे हैं। ध्रुव एक एक चित्र को देखता जा रहा था और उसकी आंखें की चमक बढ़ती जा रही थी। ये लड़का इन चित्रों में क्या देखकर इतना खुश हो रहा है? रेत। थैंक यू सर। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी छानबीन शुरू करना चाहता हूँ। इजाज़त कैसी? स्मगलरों के इस खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए हम हर मदद का स्वागत करते हैं और उसके लिए मैं तुमको अपना सबसे काबिल मुखबिर देता हूँ जो इस पूरे इलाके के हर आदमी को अच्छी तरीके से जानता है। कौन है वो सर? वो भिखामल। लेकिन सर, ये तो भिखारी है। नहीं ध्रुव, ये तो इस इलाके का सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है। हीरोइन के नशे ने इसके इकलौते बेटे की जान ले ली है। तभी से ये तस्करों का जानी दुश्मन बन गया है। इसने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करके खुद एक भिखारी का रूप धर लिया और इसी रूप के कारण यह हमारा सबसे कामयाब मुखबिर है। इसको भिखारी समझकर कोई भी तस्कर इस पर शक नहीं करता। अब तक ये लगभग 2 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़वा चुका है। ये तुम्हारी पूरी मदद करेगा और कुछ भी पता लगते ही हमें तुरंत खबर करना। अपना सूटकेस पुलिस हेडक्वार्टर में ही छोड़कर ध्रुव जब बाहर निकला तो उसके दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी। जीता वो बाहर आ रहा है। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जिसने अभी मुझसे बातें की थी? हाँ बाबा, मैं वही हूँ। तो मुझे ज़रा सड़क पार करा दे बेटा। ज़रूर आइए बाबा। भीखामल दबी आवाज में फुसफुसाया। डिप्टी कमिश्नर साहब के इशारे से ही मैं समझ गया था कि तुम हमारे ही आदमी हो। ना जाने क्यों तुमको देखकर लग रहा है कि अब मैं अपने बेटी की मौत का बदला ले सकूंगा। लेकिन हमको सावधानी से मिलना होगा। हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये लौंडा क्या कर रहा है? भले दिल का लड़का है, भिखारी को सड़क पार करा रहा है। हम पर कौन नज़र रखे हुए है बताओ तो, मैं उनसे ही कुछ जानकारी उगलवा लूँ। तुम्हारे ठीक पीछे एयरलाइंस की बिल्डिंग की छत पर 2 आदमी खड़े हैं। लेकिन मुड़ कर मत। एकाएक भीखामल के चेहरे का खून निचुड़ गया। क्या हुआ? वो सामने हरी कमीज पहने और काला चश्मा लगाए जो आदमी खड़ा है वो कैक्टस है, इस गैंग का सबसे खतरनाक हत्यारा। लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है? मैं देखता हूँ। सड़क पार कराने के लिए धन्यवाद बेटा। ये तो हर अच्छे नागरिक का फर्ज है बाबा। मैं चलता हूँ। ध्रुव तेजी से उस तरफ बढ़ा जहाँ उसने 2 क्षण पहले कैक्टस को देखा था। लेकिन इस बीच एयरलाइंस की छत पर जो घटनाएं तेजी से घटने लगी थी, क्या उधर क्या करने जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए। धड़ाक। दोनों गुंडों को ये आभास नहीं था कि खतरा सिर पर आ चुका है। कौन हो तुम? कुछ काम है हमसे? चंडिका का अजीब रूप देखकर ना जाने क्यों दोनों गुंड भय से सिहर उठे, पर जवाब नहीं मिला। और फिर जीता और माधो पर कह टूट पड़ा। ताड़। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बस मुझे और मत मारना। मुझे पता नहीं था कि घूंसे इतनी जोर से भी लगते हैं। तुमने पूछा था इसलिए बता देती हूँ। मेरा नाम चंडिका है और अगर तुमने पुलिस के सामने अपना अपराध ना कबूला तो मैं तुमको फिर ढूंढ निकालूंगी और उस पर अपने नाम का मतलब भी समझा दूंगी।
दूसरी तरफ ध्रुव भौचक्का का था। पूरे 5 मिनट से उस कैक्टस को ढूंढ रहा हूँ, अभी तो यहीं पर था, एकदम से ना जाने कहाँ चला गया। पर जाने दो, अगर इसके चक्कर में वे दोनों भी भाग निकले तो। मैं फिर मोड़ मोड़ते ही ध्रुव की नज़रें जिस दृश्य पर पड़ी, उसके लिए वो कतई तैयार नहीं था। और फिर इन दोनों की हमें बहुत दिनों से तलाश थी, लेकिन हर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने से डरता था। तुमने इनको कैसे पकड़ा? पर मैंने इनको नहीं पकड़ा सर। अरे फिर और किस में इतनी हिम्मत है जो इन गुंडों पर भी हाथ डाले? हमें एक लड़की ने पकड़ा है साहब, पर हमें छोड़ना मत। हाँ साहब, वरना वो फिर कहीं मिल गए तो आप जो भी पूछें हम बताएंगे। फिर बाद में इनके अनुसार तो इन्होंने अपने बॉस को कभी देखा ही नहीं, उससे ये ट्रांसमीटर पर संपर्क करते थे। अपने बॉस को ये महाराज कहते हैं, इनका हिस्सा इनको डाक से मिल जाता है। काम की बात सिर्फ यही पता चली कि कमिश्नर राजन अब तक जिंदा हैं। पापा जिंदा हैं? वाह हाँ, लेकिन वे कैसे हैं और कहाँ हैं ये इनको नहीं पता। खैर इतना जानना ही बहुत है कि पापा जिंदा है, बाकी मैं पता लगा लूँगा। इन दोनों गुंडों ने यह बताया कि उनको किस लड़की ने पकड़ा है। हाँ, कोई अजीब पोशाक और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, चंडिका या कुछ ऐसा ही नाम था। चंडिका, तुम उसे जानते हो? हम सिर्फ एक बार मिले हैं सर, जब पशु मानव से हमारा सामना हुआ था तब। अच्छा तो ये वही लड़की है, पर वास्तव में वो है कौन? भगवान ही जानता है सर। पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में कई प्रश्न घूम रहे थे। चंडिका, अजीब बात है, पिछली बार जब मैं मुसीबत में था तो चंडिका पहली बार दिखाई पड़ी थी, और अब पापा मुसीबत में हैं तो ये दोबारा दिखी। आखिर ये चंडिका कौन हो सर? ओह, ध्रुव ख्यालों में डूबा, कहाँ जा रहा था ये उसको खुद भी नहीं पता था कि तभी उसको एक झटका लगा। उसने अपने आप को एक गोदाम में गिरा हुआ पाया और एक खतरनाक आवाज गूंजी, चोट तो नहीं लगी बच्चे? कैक्टस? तो तुम मुझे पहले से जानते हो, कैक्टस को कौन नहीं जानता। अगर मैं इस तक तेजी से पहुंच सकूं तो। ध्रुव कैक्टस की तरफ तेजी से लपका ही था कि धाएं, एक गोली उसके माथे से रगड़ खाती हुई निकली। बेटे, अगर जरा सी भी कलाकारी दिखाई तो पूरे बदन में इतनी गोलियां घुस जाएगी कि वजन दुगुना हो जाएगा। मुझे वैसे भी किसी को गोली से मारने में मजा नहीं आता। लाश मिलने पर पुलिस खामखा ही शक करती है, उसके लिए एसिड से भरा यह टैंक है, हड्डियां तक गल जाती है इसमें। वैसे तुम बोलो, कौन सी मौत पसंद है तुम्हें? अगर ये बंदूक मुझ पर ना तनी होती तो मैं तुमको तुम्हारी मौत का रास्ता दिखा देता। अच्छा रहने दो, अगर तुम गुस्सा होते हो तो हम तुमको नहीं मारेंगे। अब हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो जो हमने तुम्हारे बाप का किया है। पापा का? अगर तुमने उनका बाल विवाह का किया कैक्टस, तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ना जाने कहाँ पर जब कमिश्नर राजन की आंखें खुली, ये होश में आ रहा है युवराज। कहिए कमिश्नर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज आप कई दिनों के बाद होश में आए हैं। मैं कहाँ हूँ? आप दोस्तों के बीच में हैं, ये डॉक्टर थम्पन है, यही आपका इलाज कर रहे हैं। मरीजों से ज़्यादा बातें मत करिए, इनके इंजेक्शन का समय हो गया है। कमिश्नर राजन को बदन में सुई घुसाने का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि इंजेक्शन लगते ही उनका आधा जागा दिमाग फिर से अंधेरे में डूब गया। शाबाश थम्पन, हीरोइन के ऐसे ही 10 इंजेक्शनों के बाद ये नशे का गुलाम बन जाएगा। नशे का गुलाम यानी हमारा गुलाम, क्योंकि इसको हीरोइन सिर्फ हम ही सप्लाई कर सकते हैं। उधर गोदाम में फंसा ध्रुव भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहा था। अब हम तुझे भी उस नशे की लती बना देंगे जिससे छुटकारा सिर्फ मौत ही दिला सकती है। जहरीली हीरोइन से भरा इंजेक्शन ध्रुव के बाजू से अब कुछ इंच ही दूरी पर था, और मैं अगर इंच भर भी हिला तो मुझ पर तनी बंदूक के पल भर में मेरा खात्मा कर देंगी। काश इस वक्त मैं किसी तरह लाइट गुल कर सका तो।
तभी कमाल हो गया। ध्रुव के सोचते ही बिजली गुल हो गई और सारा गोदाम अंधेरे में डूब गया। ये क्या हो गया? ये इसी लड़के की चाल है, भून डालो इस साले को। गोलियों के धमाकों से क्षण भर के लिए गोदाम में उजाला हो गया, धाए धाए धाए। लेकिन ध्रुव अपने स्थान पर नहीं था। कहाँ गया, जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छिपा होगा। राका, बाहर जाकर देखो, शायद फ्यूज उड़ गया है और तुम सब उसको ढूंढो। अगर ध्रुव यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं तुम सबकी खाल खिंचवा दूंगा। बाहर पहुंचकर राका आश्चर्यचकित रह गया। अरे, ये यहाँ तो मेन स्विच ऑफ है, किसने किया ये? मैंने, तुम्हारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बिजली काटनी पड़ी। अदर अदर अंदर अंदर बाकी बदमाशों को भी ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। संभल कर आना सुक्का, वो यहाँ कहीं पर भी छिपा हो सकता है। सुक्का कहाँ गया? धड़ाम, और ये धड़ाम की आवाज़ कैसी है? कैक्टस कैक्टस ठक, आ ये गया दूसरा। धम, मुझे कौन बुला रहा था? और ये राका अब तक फ्यूज ठीक करके लौटा क्यों नहीं? हल्की सी ठंड के बावजूद कैक्टस जैसे खतरनाक हत्यारे के माथे पर पसीने के बूंदे चमक रही थी, क्योंकि वो जानता था ध्रुव उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसका ख्याल सही था, लेकिन उसी वक्त कोई और ध्रुव की ओर लपक रहा था। इसका एहसास ध्रुव को इन समय पर हुआ। वो तेजी से झुका और एक बदन उसके ऊपर से उड़ता हुआ एसिड से भरे टैंक में जा गिरा। तभी बत्तियां जल उठी और एसिड के टैंक में गलता सूखा का शरीर साफ दिखने लगा। ध्रुव भी ये भयावह दृश्य देखकर पल भर के लिए जड़ हो गया। कैक्टस जैसे सधे हत्यारे को ऐसे ही मौके की तलाश थी। धाएं, मेरा एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? मेरा दूसरा प्लान तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले मुझको पिछले दरवाजे से भागना पड़ेगा। कैक्टस बाहर की तरफ भागा और चंडिका से जा उलझा। लेकिन इस वक्त कैक्टस के सिर पर खून सवार था। धाए धाए धाए, गोलियों की बौछार से बचने के लिए चंडिका एक तरफ लपकी, और जब तक वो संभल पाती, कैक्टस एक घोड़े पर सवार होकर गेट से बाहर निकल चुका था। चंडिका, तुम यहाँ पर कैसे आई? ये वक्त इन फिजूल सवालों का नहीं है ध्रुव। ओह, तुम्हारे माथे पर तो गोली का घाव है, इससे खून भी बह रहा है। चंडिका ने अपने बेल्ट में से एक प्लास्टर निकाला। ये कम से कम घाव को तो ढक कर रखेगा। धन्यवाद, वैसे तुमने ठीक कहा चंडिका, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं कैक्टस के पीछे जाता हूँ, तब तक तुम पुलिस को इस गोदाम के बारे में इन्फॉर्म कर दो। लेकिन तुम कैक्टस को ढूंढोगे कहाँ? कक्ष के रेगिस्तान में, मुझे पता है कि वो कहाँ पर गया है। जब डिप्टी कमिश्नर साहब मुझको रेगिस्तान के सेक्टर M13 की फोटोग्राफ दिखा रहे थे, तो उसमें रेत की एक पहाड़ी बिल्कुल एक साल से बिल्कुल एक जैसी थी। और ये असंभव है, क्योंकि रेगिस्तान में हवा के बहाव से रेत की पहाड़ियों के आकार बदलते रहते हैं। इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है कि वो रेत की पहाड़ी प्रकृति ने नहीं बल्कि आदमी ने बनाई है, और जाहिर है कि उसका इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो पहाड़ी किसी न किसी रूप से तस्करों का अड्डा है, और अगर मेरा ख्याल सही है तो कैक्टस निश्चित रूप से भागकर यही आया होगा। वो रही पहाड़ी, कैक्टस भी यही कहीं आसपास। धाएं, तभी खामोश रेगिस्तान एक गोली की आवाज़ से गूंज उठा। ये जरूर कैक्टस ही होगा, लेकिन ये मुझ पर सीधा निशाना नहीं लगा पा रहा है, बल्कि मुझे उन रेगिस्तानी झाड़ियों के झुंड की तरफ धकेलना चाह रहा है। अब मुझको इसका खेल समझ में आ रहा है, और अगले ही पल है कहाँ चला गया? वो तो इन झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अगर वो यहाँ से भी बचकर निकल गया तो महाराज मेरी खाल खिंचवा देंगे। तो तुम अपनी खाल खिंचवाने के लिए तैयार हो जाओ कैक्टस। धम, है ये मेरे पीछे कैसे आ गया? हाय, अब मैं तुमको उन रेगिस्तानी झाड़ियों की तरफ ले जाऊंगा कैक्टस, जहां पर तुम मुझको ले जाना चाहते थे। ये हम सही जगह पर आ गए हैं, अब बोलो। बोलना क्या है, तुमने तो मेरा काम खुद ही कर दिया।
एकदम ठीक वैसा जैसा मैं चाहता था। इस वक्त तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे एक बारूदी सुरंग बिछी हुई है और मेरी उंगली के एक इशारे पर वो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी। कैक्टस की उंगली का दबाव घातक बटन पर बढ़ा और एक कर्णभेदी धमाका हुआ जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ा। ये धमाका कैसा धड़ाम, और एक घोड़ा भी इधर दौड़ता आ रहा है। पर ये तो वही घोड़ा है जिससे ध्रुव यहाँ पर आया था। चंडिका ने तुरंत घोड़े को वापस मोड़ा और जब 5 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा तो एक आकृति लड़खड़ाती हुई झाड़ियों से दूर जा रही थी। ये तो वही हत्यारा है कैक्टस, तो क्या ध्रुव? चंडिका ने दिल का डर बेबुनिया चंडिका के दिल का डर बेबुनियाद नहीं था। पत्तों के बीच में पड़ी लाश का हर अंग जल जाने के बावजूद भी पोशाक और माथे पर लगा प्लास्टर इस बात की गवाही दे रहा था कि ये लाश ध्रुव की ही है। चंडिका की आंखों में अब खून के अलावा और कुछ नहीं था। कैक्टस, कैक्टस ने अपनी मौत का फरमान अपने हाथों से लिख दिया था इससे पहले कि हत्यारा अगला कदम रख पाता। सुनो, आह ताड़ आह, लेकिन तभी एक सधा हुआ निशाना घोड़े का माथा भेद गया है और चंडिका का शरीर अपना संतुलन खोकर घोड़े से नीचे आ गिरा धड़ाक, और उसका दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला गया। तभी रेत की पहाड़ी में एक दरवाजा खुला। कैक्टस जल्दी आओ, एक हाथ में ध्रुव की बेल्ट लिए कैक्टस तेजी से गुफा की तरफ भागा। शाबाश कैक्टस, तूने आज वो काम कर दिखाया जो दुनिया भर के अपराधी ने मिलकर नहीं कर पाए। धड़ महाराज, तो तुझे इनामों से लाद आऊं? संभल कर जग्गा, याद रखना ये वो प्राचीन सुरंग है जिससे अकबर के हमले के समय राजा जयमल बचकर भागे थे। यहाँ पर सांप बिच्छू भी उसी समय से रहते होंगे। ये किस्सा मैं तेरे मुंह से हजार हजार भी बार सुन रहा हूं, लेकिन तुम इतने खामोश क्यों हो? कैक्टस, अबे अंधे, देखता नहीं कि विस्फोट के लपेट में आकर इसका मुंह भी जल गया है, फिर बेचारा बोलेगा कैसे? ले, बातों बातों में हम किले तक आ पहुंचे और वो रहा रंजीत। रंजीत, युवराज कहाँ है? लेबोरेटरी में तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चंडिका को जब होश आया, तुम चंडिका हो ना, ध्रुव ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने ध्रुव के बेल्ट में एक माइक्रो ट्रांसमीटर फिट कर दिया है, मैं उसी के सिग्नलों का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन 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 क्या? बेल्ट ध्रुव की सबूत, लाश पर से बेल्ट गायब है, देखिए। ओह, कैक्टस जरूर उस बेल्ट को सबूत के तौर पर ले गया होगा कि उसने ध्रुव को मार डाला है। अगर ऐसा है तो हम सिग्नलों का पीछा करके ध्रुव के हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। यू आर राइट, जल्दी आओ। और किले में युवराज की जय हो, क्या खबर लाए हो कैक्टस? समाचार बहुत ही शुभ है युवराज, दुश्मन कुत्ते की मौत मारा गया। इस वक्त तो उसकी माँ भी उसकी लाश पहचान ही ना पाए। सच, ध्रुव सच में मर गया? शाबाश कैक्टस, शाबाश, हम पूरी घटना तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ युवराज, दरअसल जिस विस्फोट से ध्रुव मारा गया कैक्टस भी उसी विस्फोट के चपेट में आ गया था। विस्फोट से इसका सारा मुंह जल गया है, इसीलिए ये बोलने में असमर्थ है। अंकलू, हम तुम्हारे ठीक होने की प्रतीक्षा करेंगे। कैक्टस जग्गा, अब हमारी लैब में काफ़ी हीरोइन तैयार हो गई है। तुम आज फिर किले से माल लेकर सुरंग के रास्ते से रेगिस्तान जाओगे और फिर रेगिस्तान से सलमेर की तरफ आने की कोशिश करोगे ताकि पुलिस को यह शक बना रहे कि यह सारी तस्करी सीमा पार से ही होती है और हम सलमेर में बैठे बैठे हीरोइन को भारत के कोने कोने में पहुंचाते रहें। जो आज्ञा युवराज। आओ कैक्टस, आज हम तुमसे बहुत बहुत खुश हैं। तुमने आज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया है, इसलिए हम एक दूसरे कांटे को निकालने का श्रेय भी तुमको देंगे। आओ हमारे साथ शीघ्र ही। देखो, वो रहा कांटा और ये है कांटा निकालने का औजार, पोटेशियम साइनाइड से भरा इंजेक्शन। दूसरी तरफ ये सिग्नल उस पुराने किले से आ रहे हैं सर। असंभव, वहां पर तो कोई भी नहीं रहता, यह रहता है।
नाथन जीप और तेज चलाओ। उधर कमिश्नर राजन की तरफ मौत बढ़ रही थी और उनको इसका एहसास तक नहीं था। इंजेक्शन की सुई बदन में घुसने ही वाली थी कि तभी युवराज युवराज बाहर पुलिस आ गई है। क्या पुलिस यहाँ तक कैसे आ पहुँची है? जाओ उन्हें रोको और तब तक जब तक हम यहाँ के सारे सबूत नष्ट ना कर दें। लेकिन पुलिस फोर्स का अचानक हमला जबरदस्त और तेज था। चंद मिनटों में ही पुलिस ने पूरे किले को अपने कब्जे में ले लिया। प्रयोगशाला जहाँ से जहरीली हीरोइन बनकर पूरे देश में पहुँचती थी, पुराने सुरंग, नशीली पदार्थों का गोदाम और युवराज, कमिश्नर साहब और कैक्टस, खबरदार हिलने की कोशिश ना करें। तुम भी नहीं, डिप्टी कमिश्नर, इस सीरीज में पोटेशियम साइनाइड है। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो कमिश्नर राजन को जिंदा नहीं पाओगे। और अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा वफादार सेवक कैक्टस अगले आधे घंटे तक सिरिंज लिए यहाँ तैनात रहेगा। इस बीच अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस ट्रांसमीटर पर सिग्नल भेज दूँगा और फिर कमिश्नर के बदन में सुई घुस जाएगी। वाह, यानी तुम बचकर निकल जाओगे और बेचारा कैक्टस पकड़ा जाएगा। कैक्टस, ये तुम्हारे साथ धोखा है। स्वामी भक्त, कैक्टस पर तुम्हारी बात का कोई असर नहीं। लेकिन कैक्टस अब सारी बात समझ गया था। कैक्टस, पागल हो गए हो क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मुझे इससे बचाओ। अगर ये इंजेक्शन गलती से भी मुझे लग गया तो। युवराज की गिरफ्तारी होने के साथ ही गैंग का हर सदस्य पुलिस की गिरफ्त में था। हमें एहसास है कैक्टस कि ध्रुव की हत्या तुमने अपने मालिकों के इशारे पर की है। अब तुम सरकारी गवाह बन जाओ और मैं कोशिश करूंगा कि तुमको कम से कम सजा मिले। लेकिन ध्रुव की हत्या हुई कब है? ध्रुव, तुम जिंदा हो? तो वो लाश किसकी थी? वो लाश कैक्टस की थी। दरअसल जैसे ही उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, मैं अपनी जगह से उछला और मेरा वार कैक्टस की पीठ पर था। धड़ाक, आह, कैक्टस बम के ठीक ऊपर गिरा और ठीक उसी वक्त बम फट गया। धमाके का असर मुझ पर ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बम कैक्टस के शरीर पर पूरी तरह ढका हुआ था। तभी मुझको रूप बदलने का आइडिया आया। मेरी और कैक्टस की कदकाठी लगभग एक सी है, इसलिए मैंने उसको अपने कपड़े पहनाकर उसके कपड़े खुद पहन लिए। चेहरा बुरी तरह से जल जाने के कारण कोई लाश को पहचान नहीं सकता था। हल्के मेकअप का सामान मैं हमेशा अपने बूट और बेल्ट में लगता हूँ। उसी की मदद से मैंने अपना चेहरा कैक्टस जैसा बना लिया। बाकी कसर कालिख और धूल ने पूरी कर दी। अब चलो उस पहाड़ी की तरफ। चलते चलते मैंने अपने माथे का प्लास्टर उतार कर कैक्टस के माथे पर रख दिया। ओह, तुम्हारे इस काम में तो मुझे भी बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मेरे बेल्ट पर बिना बताए एक ट्रांसमीटर लगाकर तुमने भी तो मुझे मूर्ख बनाया था। ये मैंने तब देखा जब मैं अपनी बेल्ट कैक्टस की लाश को पहना रहा था। तब मैंने जानबूझकर बेल्ट को अपने साथ लेता आया ताकि इसकी मदद से पुलिस इन लहू के प्यासों के अड्डे तक पहुंच सके। और मैं अब तक ये समझ रहा था कि ये सारी तस्करी सीमा पार से होती है। ये सब इनकी चाल थी ताकि पुलिस और सुरक्षा बलों का सारा ध्यान सीमा पर ही लगा रहे और ये इस किले से बेरोक टोक के तस्करी कर सकें। इसके लिए ये बीच बीच में ऐसा नाटक भी करते हैं जहां ये हीरोइन वाकई सीमा पार से आ रही हैं। और फिर पुलिस को चकमा देकर ये उसी सुरंग के रास्ते से किले तक आ जाते थे जिससे मुझे लाया गया। अरे, ये चंडिका कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी तो यही थी। पर एक बात है ध्रुव, हमें ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है, लेकिन अधूरी। गिरोह का सरदार महाराज अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। उसकी चिंता मत करो, वो हम उगलवा लेंगे। जहां हमने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया, ये सारे के सारे टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए। पर कहाँ? आइए तो, लेकिन पहले हम रास्ते में एक आदमी को ये खुशखबरी देते चलेंगे। किसको भाई? आखिर तुम जाना कहाँ चाहते हो? उसके पास, भीखामल। अरे बेटा, तुम इस पोशाक में? हाँ बाबा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आपके बेटे की मौत का बदला ले लिया है। क्या? हाँ बाबा, अब पूरा गैंग हमारे कब्जे में है।
पुलिस ने उन सब की खूब धुनाई की और उस गिरोह के मुखिया युवराज की तो हमने मार मार कर चमड़ी उधेड़ दी है। क्या? हाँ, हमने हमने उसकी उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए हैं, चाकू से उसकी खाल काट कर उसमें नमक भर दिया है। तब कहीं जाकर ये तो बेहोश हो गया। हाँ सर, बेचारा अपने बेटे पर काल्पनिक अत्याचारों का वर्णन नहीं सुन पाया। अपने बेटे पर? यानी हाँ सर, ये भीखमल ही महाराज है, युवराज का पिता और इस गैंग का बॉस। फिर बाद में भीखमल ने कबूल कर दिया है कि वही इस गिरोह का सरगना है, लेकिन तुमने समझा कैसे कि भीखमल ही महाराज है? युवराज और भीखमल के शक्लों की समानता ही ये बताने के लिए काफ़ी थी कि दोनों पिता पुत्र हैं, और युवराज का पिता ही महाराज हो सकता था, यानी गैंग का बॉस। अपने इसी थ्योरी को परखने के लिए मैं भीखमल के पास गया था, और मुझे खुशी है कि मेरा ख्याल सही निकला। अपने बेटे के मरने की झूठी कहानी और अपनी संपत्ति ट्रस्ट को दान देने का नाटक भीखमल ने पुलिस 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 का मुखबिर बनने के लिए पुलिस का मुखबिर बनने के लिए रचा था। वक्त वक्त पर अपना ही माल पकड़वा कर ये अपने अच्छे मुखबिर होने का प्रमाण भी देता रहता था। इस तरह से इसको पुलिस कार्यवाही की पूरी सूचना भी पहले से मिल जाया करती थी। तुमने वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव। चलो, अब चूंकि इस क्षेत्र से तस्करों का आतंक समाप्त हो गया, इसलिए अब मैं भी वापस राजनगर वापस जा सकता हूँ। नए कमिश्नर इस एरिया का इंचार्ज लेने और आज शाम को ही आ रहे हैं। नए कमिश्नर इस एरिया का चार्ज लेने आज शाम को ही आ रहे हैं, और फिर राजनगर में। अरे, आपके सिर पर यह पट्टी क्यों बंधी है? कुछ नहीं, एक मामूली सा एक्सीडेंट तो हो गया था, पर अब तो घाव भी भर गया है। ओह, शुक्र है भगवान का। और तुम्हारे सिर का घाव कैसा है भैया? क्या पूछा? अरे, ये मैं क्या कह गई, मेरे सिर का घाव तो बालों से ढका हुआ है, और अभी तक मैंने यहाँ पर किसी को इस घाव के बारे में बताया भी नहीं। फिर इसको कैसे पता चला? कहीं यही तो चंडिका नहीं? मम्मी बचाओ, चूहा! अरे, इसमें क्या हंसने की बात है, चूहा बहुत खतरनाक जानवर होता है। अरे, मैं तुम पर नहीं, अपनी सोच पर हंस रहा हूँ। मैं भी कितना गधा हूँ, ये डरपोक किसी जन्म में बहादुर चंडिका हो ही नहीं सकती। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।